चतरा जिले के पीपरपार में केंद्र सरकार के जन और मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ जनता मजदूर संघ के द्वारा एक दिवसीय भूख हड़ताल किया गया। सीसीएल के क्षेत्रीय कार्यालय पीपरपार में सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी सामाजिक दूरी बनाकर भूख हड़ताल के लिए धरना पर बैठे। संघ के रीजनल सचिव रविन्द्रनाथ सिंह ने बताया कि कोरोना के आड़ में केंद्र की मोदी सरकार श्रम कानून में परिवर्तन कर कोयला मजदूरों के हक और अधिकार छीनने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के मजदूर और जन विरोधी नीति के खिलाफ आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर हड़ताल में कई यूनियन कार्यकर्ता व कोयला कामगार मौजूद थे। गौरतलब है कि चतरा के कोयलांचल इलाके में जनता मजदूर संघ के अलावे कई अन्य मजदूर यूनियन सक्रिय हैं, जो कामगार यूनियन के इशारे पर आए दिन प्रबंधन के विरोध आंदोलन का रुख अख्तियार करते रहते। परिवार में 22 मई 2020 को केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ, कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ, कोयला उद्योग के निजीकरण के खिलाफ जनता मजदूर संघ HMS से जो एफिलेटेड है, वो केंद्रीय हमारे केंद्रीय कार्यालय के आह्वान पर एक दिन का उपवास हम लोग अपने कार्यालय पर किए हैं। और हम लोग जो ये मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ और कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ जो अपना मेमोरेंडम बनाए हैं, इसको प्रधानमंत्री के ईमेल पर आज हम लोग भेजेंगे और आज 10 बजे से लेकर 6 बजे तक हम लोग उपवास पर मजदूरों की मांगों को लेकर के हम लोग अपने कार्यालय में रहेंगे।